मैटर किससे बना होता है गार्ड सेल से बना होता है ठीक है गार्ड सेल से मेड अप ऑफ गार्ड सेल्स पेयर ऑफ गार्ड सेल्स जब आपस में जॉइंट होते हैं तब एक पोर का फॉर्मेशन करते हैं वो पोर बेसिकली आ, क्या कहलाता है स्टोमेटा कहलाता है इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं ठीक है तो ये किडनी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ठीक है ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या शो कर रहा है हमें गार्ड सेल्स शो कर रहा है ठीक है ये पेयर में प्रेजेंट है जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ठीक है तो एक पोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इस पोर को क्या बोल रहे हैं स्टोमेटा बोल रहे हैं तो ये स्टोमेटा कब दिखता है जब गार्ड सेल्स क्या होते हैं एक गैप एक पोर का फॉर्मेशन करते तब स्टोमेटा देखने को मिलता है ये क्या है ये जो फिगर गिवन है इस समय स्टोमेटा ओपन है ठीक है स्टोमेटा क्लोज कब होता है ठीक है तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि गार्ड सेल्स आपस में अटैच हो जाते हैं जो पोर का फॉर्मेशन होता है उसको बंद कर देते हैं ठीक है तो इफ अगर गार्ड सेल्स की बात करें उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो गार्ड सेल्स में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियस सेकेंड वन इज़ क्लोरोप्लास्ट थर्ड वन इज वैक्यूल ठीक ठीक है है. जैसा कि हम लोग में देख रहे हैं. So, if अगर chloroplast की बात करें तो प्रोसेस परफॉर्म करता है यानी फूड का प्रिपरेशन करता है ठीक uh, है सो इफ so, अगर बात करें स्टोमेटा ओपनिंग की तो स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज कैसे होता है ठीक है स्टोमेटा मोस्टली क्या है टेम्परेचर सेंसिटिव uh, होता है ठीक है इफ अगर टेम्परेचर टेम्परेचर हाई हो ठीक है एंड टेम्परेचर लो हो तब क्या होता है टोमेटा ओपन होता है या क्लोज होता है वो देखते हैं ठीक है सो so, जब टेम्परेचर हाई होता है तो जो टोमेटा होता है वो क्या होता है खुद को क्लोज करता है ठीक है इस ड्यूरेशन से क्या होता है कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है जो वाटर लॉस का क्राइटेरिया है यानी जो ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन जो स्टोमेटा परफॉर्म करता है वो रुक जाए वाटर लॉस प्लांट को ना हो इस वजह से क्या करता है स्टोमेटा एट ऐट दी हाई टेम्परेचर में क्या होता है क्लोज हो जाता है वेयर एज एट दी लो टेम्परेचर में स्टोमेटा क्या होता है ओपन हो जाता है इट मींस गैसेस एक्सचेंज एंड वाटर लॉस का क्राइटेरिया यानी ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन परफॉर्म करने लगता है ठीक है इफ अगर स्टोमेटा के फंक्शन की बात करें तो स्टोमेटा के कौन कौन से फंक्शन है इम्पॉर्टेंट फंक्शन वन ऑफ द फंक्शन है दैट इज ट्रांसपेरेशन का ठीक है एंड सेकेंड फंक्शन क्या है दैट इज गैसेस एक्सचेंज का ठीक है फाइन सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टोमेटा फाइन बैक टू द क्वेश्चन आते हैं अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्टोमैटल ओपनिंग कब हो रहा है फोटो एक्टिव की ड्यूरेशन में विच डज नॉट अकर ठीक है सो इनमें से ऑप्शन में दिए गए एक ऐसे ऑप्शन को फाइंड आउट करना है कि जो स्टोमेटा ओपनिंग के ड्यूरेशन में नहीं होता है ठीक है सो so, स्टोमेटा ओपनिंग कब होता है ठीक है अगर ऑप्शन वन की बात करें तो इसमें बोल रहा है इंक्रीज इन पीएच ऑफ गार्ड सेल्स ठीक है तो यस, स्टोमेटा ओपनिंग क्या होता है पीएच डिपेंडेंट होता है मतलब डायरेक्टली uh, प्रोपोर्शनल होता है स्टोमेटा ओपन कब होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीएच का इफ अगर पीएच कम है तो स्टोमेटा क्या होगा क्लोज होगा वेर एज इफ अगर पीएच हाई होगा तो स्टोमेटा क्या होगा ओपन uh, होगा फाइन सो so, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशनशिप है ठीक है ये फंक्शन परफॉर्म होता है तो ऑप्शन वन नहीं होगा ऑप्शन टू की बात करें तो इसमें बोल रहा है कि हाइड्रोलिस ऑफ स्टार्च इन गार्ड सेल्स एज वी नो कि गार्ड सेल्स में क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है यानी फोटोसिंथस uh, फंक्शन परफॉर्म होता है इट मीन्स कि एनी हाउ क्या हो रहा है कि स्टार्च का भी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्ट वे में फंक्शन परफॉर्म हो रहा है ठीक है स्टोरेज हो रहा है इन टू दी गार्ड सेल्स फाइन तो ये जो स्टार सेल्स है गार्ड सेल्स में ये इनका हाइड्रोलाइसिस होता है जब स्टोमेटा ओपनिंग होता है तो ये भी फंक्शन परफॉर्म होता है तो ये भी नहीं होगा अगर ऑप्शन थ्री की बात करें तो इसमें बोल रहा है कि जैसे ही टर्जर प्रेशर इंक्रीज होता है सब्सिडरी सेल का तो स्टोमेटा ओपनिंग क्या हो जाता है स्टोमेटा ओपन हो जाता है वेर एज एसटोमेटा ओपन का जो रिलेशनशिप है टर्जर प्रेशर के साथ वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक है इफ़ अगर टर्जर प्रेशर हाई हो ठीक है टर्जर प्रेशर इंक्रीज हो तब स्टोमेटा क्या करेगा खुद को क्लोज कर लेगा वेयर एज इफ वे टर्जर प्रेशर कम है तब स्टोमेटा क्या करेगा अपने आप को क्लोज करेगा ओपन करेगा फाइन सो ये जो ऑप्शन गिवन है ये फंक्शन नहीं होता है सो ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन फोर की बात करें तो इसमें बोल रहा है कि डिसोसिएशन ऑफ इन गार्ड सेल्स ये भी फंक्शन परफॉर्म होता है स्टोमेटल ओपनिंग के ड्यूरेशन में फाइन सो so, ये भी ऑप्शन फोर क्या होगा नहीं होगा सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थ्री ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर